हेलो दोस्तों, मेरा नाम रियाज और आप देख रहे हैं टेक्निकल रियाज चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे माइस्ट्री वीपीएन लाइट एप्लीकेशन के बारे में। दोस्तों, ये एप्लीकेशन क्या है और इस एप्लीकेशन को किस तरह से आप आपके मोबाइल में यूज़ कर सकते हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी देने वाला हूँ माइस्ट्री वीपीएन लाइट एप्लीकेशन के बारे में। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना, वीडियो को भी अच्छा लग जाए तो वीडियो को कर देना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो एप्लीकेशन है दोस्तों, माइस्ट्री वीपीएन लाइट एप्लीकेशन एक वर्ल्ड वाइड सर्वर एप्लीकेशन है, जिसमें यहाँ पर आपको अलग अलग वर्ल्ड वाइड सर्वर देखने को मिल जाते हैं, जिनको यहाँ पर आप इजीली तरीके से वो भी आपके मोबाइल में यूज़ कर सकते हैं। आपको कभी करना है तो इसके अंदर आपको अलग अलग वर्ल्ड वाइड सर्वर देखने को मिल जाते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर आपको फास्टर और बहुत ही सेफर अनलिमिटेड ये एप्लीकेशन को आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर आपको अलग अलग यहाँ पर वर्ल्ड वाइड सर्वर मिलते हैं, तो आप इनको सिर्फ वन टैब में ही ये एप्लीकेशन को आप यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, ये एप्लीकेशन में आपको सिर्फ यहाँ पर वन टैप करना है और उसके बाद आप ये एप्लीकेशन को बिल्कुल फ्री में यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, एप्लीकेशन को यूज़ करने के लिए एप्लीकेशन को करेंगे ओपन, तो कुछ इस तरह से एप्लीकेशन जो मोबाइल में ओपन हो जाती है माइस्ट्री वीपीएन लाइट एप्लीकेशन। जैसी एप्लीकेशन ओपन होती है, आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। एप्लीकेशन का यहाँ पर आपको लोगो दिखाई देगा और ये एप्लीकेशन की जब भी एप्लीकेशन ओपन होंगी तो आपके सामने एक ऐड दिखाई देंगी। जैसे एप्लीकेशन यहाँ आ जाती है आपके सामने, यहाँ दोस्तों एप्लीकेशन का नाम दिखाई देगा, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं एप्लीकेशन का नाम यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एप्लीकेशन का नाम दिखाई देने के बाद दोस्तों, यहाँ पर आपको एक यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा कि यूज़ का। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये आपसे परमिशन मांगेगा, और जैसे ही परमिशन मांगते और परमिशन आप दे देते हैं तो आप इजीली तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर आपको अलग अलग वर्ड सर्वर देखना है तो आपको क्या करना है, थ्री लाइन पर क्लिक कर देना है। जैसे थ्री लाइन पर आप क्लिक करते हैं तो स्विच यहाँ पर रीजन पर आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर आप क्लिक कर देते हैं, आपके सामने जो भी यहाँ पर वर्ल्ड वाइड सर्वर होंगे वो आपके सामने यहाँ आ जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपको अलग अलग यहाँ पर जैसा फुल स्पीड वाला ऑप्शन मिल जाता है और फुल मैक्स वाला ऑप्शन मिल जाता है। फुल स्पीड में यहाँ पर आपको जितने भी फुल स्पीड वाले वर्ल्ड वाइड सर्वर होंगे वो यहाँ दिखाई देंगे, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। और दोस्तों, आप इनको यूज़ करना चाहे तो सिंपली तरीके से उनके ऊपर आपको क्लिक करना होगा, जैसा यहाँ पर मैंने कर दिया है। इसी तरह से यहाँ पर आप क्लिक करके इनको यूज़ कर सकते हैं। उसी के साथ साथ फुल मैक्स में आप आ जाते हैं तो फुल मैक्स के में भी आपको अलग अलग वर्ल्ड वाइड सर्वर देखने को मिल जाते हैं, जिनको आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं सिंपली वन टैब में ही। या दोस्तों, वन टैब में ही आप इनको यूज़ कर सकते हैं। फुल मैक्स पर क्लिक करके आप यहाँ पर जितने भी फुल मैक्स वाले आपको क्लिक करना है और यहाँ पर चूज़ कर लेना। जिसे यहाँ पर चूज़ कर लेते हैं, आपको बैग आ जाना है, और बैग आ जाने के बाद जो भी आपने सिलेक्ट किया होगा उसका नाम यहाँ पर आ जाएगा, और नाम आ जाने के बाद आप उसको यहाँ पर क्लिक करके आप उसको इजीली तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से आपको आपको चेंज करना है तो आपको यहाँ पर स्विच रीजन पर क्लिक करना है, और चेंज करने के लिए यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है और बैग आ जाना है। जैसे ही यहाँ पर आप आ जाते हैं उसके बाद जो भी आपने चेंज किया होगा यहाँ पर उसका नाम आ जाता है, और यहाँ पर आप क्लिक करके ईजीली तरीके से उसको यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से ये एप्लीकेशन काम करती है। इनबॉक्स का आपको ऑप्शन मिल जाता है, अपलोड लॉन्ग का, और बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ मिल जाती है। तो दोस्तों, ये थी माइस्ट्री लाइट एप्लीकेशन, जिसके बारे में मैंने आपको पूरी तरह से समझा दिया। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को करना लाइक, चैनल को करना सब्सक्राइब।